51 साल के आसपास की उम्र हो रही है, ठीक है। ये मस्तक रेखा से हृदय रेखा तक ये उम्र होती 35 से 57, जहाँ पर ये कट पड़ा हुआ है ये लगभग 47-47 साल के आसपास की उम्र है, और केतु की दशा इसी पीरियड में लगी, ठीक है। तो कुंडली के अंदर केतु भाग्य स्थान में बैठा है, तो भाग्य स्थान का केतु अच्छा नहीं होता, सीधी सी बात नहीं होता, वो तंग करता है। जब भाग्य स्थान का केतु बैठा है तो इससे संबंधित एक पूजन होगा, और कुंडली में विशेष योग क्या है, विशेष योग ये है कि उच्च का शुक्र छठे घर में बैठा लेकिन सूर्य के साथ है, और नीचभंग राजयोग बन रहा है, बृहस्पति और मंगल मकर राशि के। पर क्या होता है कि लग्नेश की मेन जो होती है बात होती है, लग्नेश क्या है आपका, लग्नेश है आपका तुला, तुला लग्न के अंदर मंगल और गुरु कारक नहीं होते, उतना कारक होते हैं शनि शुक्र और बुध, तो इनको आपको बढ़ाना है सफ़ेद पुखराज पन्ना या इनका सब्स्टिट्यूट ओपल और हरी तुरमली, ये दो रत्न धारण करने हैं, जो मैं आपको बाद में उपाय बताऊंगा, छोटे छोटे पूजन बताऊंगा, दान बताऊंगा, दर्शन बताऊंगा, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। चंद्रमा की दशा आपकी अच्छी नहीं जाएगी, इसलिए उससे पहले मेरे से मिलके उपाय ले लीजिएगा, जान लीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा जन्मकुंडली के द्वितीय भाव मार्केश में नीच के होकर बैठे, अच्छा नहीं, ठीक है।